हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों जवान, जी हाँ दोस्तों जवान, जो कि शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी 2 जून को रिलीज है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि रिलीज से पहले ही एक रिमेक का ठप्पा लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बॉलीवुड के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जवान मूवी, जो कि बताया जा रहा है दोस्तों कमल हसन की एक मूवी है तमिल। जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट नाम है यार, टफ है जो कि जुबान पे आ नहीं रहा है। बट आपको बता दूं कि आप सोशल मीडिया पे जाके देखो, ढेर सारे रूमर्स मिलेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि रूमर्स क्या है, ये कंफर्म हो चुकी है कि ये रीमेक है तमिल मूवी जो कि कमल हसन सर की मूवी है दोस्तों। तो गाइज आपको बता दूं कि बहुत साल, एक साल तो हो ही गए जब अनाउंसमेंट हुई थी जवान मूवी का, जब फर्स्ट लुक जारी हुआ था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी को जो विजय थालापति की मूवी थी दोस्तों सरकार, शायद उसका रीमेक बताया जा रहा था ऑफिशियल। बट फिर बाद में पता चला कि ये सरकार का रीमेक नहीं है, ये एक ओरिजिनल कंटेंट में मूवी बन रही है। लेकिन अभी अभी पता चल रहा है दोस्तों बॉलीवुड के गलियारों से कि ये कमल हसन की मूवी जो कि एक तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यार, मतलब कि शाहरुख खान की ये जो मूवी है, सभी को ऐसा लग रहा था कि अभी शाहरुख खान रीमेक वगैरह नहीं करेंगे, सब अब ओरिजिनल कंटेंट पे काम करेंगे शाहरुख खान, क्योंकि उनकी जो पठान मूवी थी ओरिजिनल कंटेंट थी दोस्तों। और जवान मूवी की बात करें तो दोस्तों जवान मूवी कहीं ना कहीं रीमेक बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि जब मूवी रिलीज होगी बड़े स्क्रीन पे तो पता चलेगा कि ये मूवी रीमेक है कि नहीं है। बट आपको बता दूं कि जवान मूवी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाली है। क्योंकि आपको बता दूं ये मूवी जो कि तमिल डायरेक्टर एटली कुमार की मूवी है दोस्तों, और साथ में यार हमारे सेतुपति, जी हाँ दोस्तों विजय सेतुपति है भाई, उसके बाद थालापति विजय सर की कैमियो है यार। खैर जो भी है दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये रीमेक किसकी या किसकी नहीं है, या ओरिजिनल कंटेंट है या रीमेक कंटेंट है, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो बस भाई आपकी राय, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये रीमेक है या ओरिजिनल कंटेंट है, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।